नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का 51वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई कप्तान किरण पोलार्ड ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऐसे में दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 110 रन ही बनाए। इस तरीके से मुंबई के सामने जीत के लिए सिर्फ 111 रनों का लक्ष्य था, जिसे मुंबई ने 14.2 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। IPL का आयोजन भारत में हो या फिर विदेशी सरजमी पर, इस लीग का रोमांच कभी कम नहीं होता। हर बार की तरह इस बार भी IPL के 90% से ज़्यादा मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने वाली चार टीमों का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ मुंबई इंडियंस ही IPL 2020 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाई है। उधर IPL के 13वें सीजन के 51वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मिली करारी हार से किंग्स इलेवन पंजाब को फायदा मिला है और प्लेऑफ की रेस और भी दिलचस्प हो गई है। दरअसल दिल्ली की टीम को मुंबई ने इस मैच में 9 विकेट से हराया और मुंबई इंडियंस ने 15वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया, जिसका फायदा किंग्स इलेवन पंजाब को मिला क्योंकि दिल्ली की टीम का नेट रन रेट किंग्स इलेवन पंजाब के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर दिल्ली की टीम अपना अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ हार जाती है और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को हरा देती है, तो फिर पंजाब की टीम IPL 2020 की अंक तालिका में टॉप 4 में बनी रहेगी और प्लेऑफ में स्थान पक्का कर लेगी। दिल्ली की हार के बाद IPL 2020 की प्लेऑफ की रेस भी काफ़ी दिलचस्प हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर बाकी सभी टीमें प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। मुंबई इंडियंस की टीम पहले नंबर पर है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, किंग्स इलेवन पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। बेंगलोर को अपने बाकी बचे 2 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीतना है क्योंकि टीम के 14 अंक पहले ही हासिल कर चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।